Welcome to Tips and Tricks for the Junior Kids. Now, again, we are going to practice for standing line. यहाँ पे there are some vegetables जिन्हें हमें उन्हीं same vegetables से उन्हें match करना है. तो यहाँ पे हम standing line भी बनाना सीखेंगे, vegetables के names भी सीखेंगे, colors के बारे में भी देखेंगे कि कौन से vegetables का क्या color है. ओके, सो पहला आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी लाइन ड्रॉ कर दी है, बट वो लाइन मैंने डॉटेड में दी है ताकि आप पहले उस पर एक बार प्रैक्टिस कर लें ट्रेस करके. सो द फर्स्ट वेजिटेबल इज टोमेटो. टोमेटो को हम पका के भी खाते हैं और कच्चा भी खा सकते हैं, ठीक है. और हमें टोमेटो का कलर क्या होता है, रेड. ओके, नाउ द सेकेंड वेजिटेबल इज, जो कि मोस्टली सबका फेवरेट होता है और ये दूसरी वेजिटेबल्स के साथ भी मिक्स हो करके हम इसको कुक करते हैं, दैट इज पोटैटो. तो पोटैटो का कलर यू कैन सी इट्स अ ब्राउन कलर. ओके, नाउ द थर्ड वेजिटेबल, तो हमें पोटैटो को क्या करना है, पोटैटो से मैच करना है. थर्ड वेजिटेबल इज ब्रिंजल. ब्रिंजल का जो कलर है दैट इज पर्पल, एंड हमें ब्रिंजल को ब्रिंजल से मैच करना है. Now the fourth vegetable is pumpkin. Pumpkin जब वो कच्चा होता है, जब वो निकलना शुरू होता है प्लांट्स में से, तो वो ग्रीन कलर का होता है. धीरे धीरे उसका कलर येलो होता है और फिर बाद में वो ऑरेंज भी हो जाता है. ओके, नाउ द लास्ट वेजिटेबल इज चिली. चिली को एक इंग्रेडिएंट की तरह भी हम यूज़ करते हैं और चिली ग्रीन कलर का भी होता है और रेड कलर का भी होता है. हेयर यू कैन सी, जो आपको दिया हुआ है वो रेड कलर है. तो हमें क्या करना है, चिली को चिली से मैच करना. और चिली का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होता है. तो एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे वेजिटेबल्स के नेम को और उनके कलर्स को भी. सो द फर्स्ट वन इज टोमेटो. टोमेटो कलर इज रेड. सेकेंड इज पोटैटो. पोटैटो इज ब्राउन. ब्रिंजल. ब्रिंजल इज पर्पल. पम्पकिन. पम्पकिन कलर इज ऑरेंज और समवेयर इट इज येलो. लास्ट वन इज चिली एंड द कलर इज रेड. और ग्रीन कलर का भी चिली होता है,